फिल्म में गाए, बहुत कुछ हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद कोई हमको पूछने वाला नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। और बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले दीपक ठाकुर, जिन्होंने बिग बॉस में काफी नाम कमाया और आज हमारे साथ हेडलाइंस इंडिया में है मौजूद। सर, कैसा महसूस होता है, क्या क्या लगता है? दीपक, अब आप बाहर आ गए हैं तो कितना प्यार मिला लोगों का? जी बिल्कुल, बहुत प्यार मिला। आप प्यार का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इससे पहले कभी इस ऑफिस में नहीं आए थे, अभी आए हुए हैं। तो बिग बॉस से निकलने के बाद भांति भांति के लोग जुड़ रहे हैं मेरे से, खोज रहे हैं, हमको पहचान रहे हैं कि कहाँ थे अभी तक। तो निकाल निकाल के आ रहे हैं, इंटरव्यू हो रहा है, लोग पहचान रहे हैं, जान रहे हैं कि यहाँ से लड़का आया है, माता पिता को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। तो पूरा जो जिंदगी है ना, वो बदल गया है और अब बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है। क्या उम्मीद क्या थी, क्या किसको श्रेय जाता है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पूरी जिंदगी पलट गई है? एक समय मुजफ्फरपुर में आप गाना गाया करते थे और अब सब लोग आपके पीछे। जी, इसका पूरा श्रेय 100% हमारे माँ बाप को जाता है। जरूर हम पिछले जन्म में कोई पुण्य किए होंगे जो हमको ऐसे माँ बाप मिले, क्योंकि मेरे माता पिता बहुत कष्ट काट के हमको यहाँ तक पहुँचाए हैं और बहुत स्ट्रगल किए हम। और मेरे पिताजी जो है ना, वो स्टार मेकर हैं, क्योंकि वो स्टेज के पीछे से सारा मेहनत वो किए, हमको चढ़ाते थे, हम एप्लीकेशन लिख के भेजते थे बड़े बड़े अधिकारियों के पास कि जाओ बेटा देखो, हर एक दरवाज़ा, हर एक चौखट हम खटखटाए। हम श्रेय देना चाहेंगे हमारे गुरुजी को, आदरणीय डॉक्टर संजय कुमार संजू, जिन्होंने हमको इस काबिल बनाया कि हम संगीत का सौ सीख सकें, बोल सकें, गा सकें और लोगों को वो पसंद आ सकें। तो माँ बाप और गुरु, उससे बड़ा श्रेय किसी को नहीं मिल सकता। तो वही तीनों है हमारे कर्ता धर्ता। ये फेवरेट कंटेस्टेंट कौन रहा आपका बिग बॉस के पूरे सफर के दौरान? जी, हमको केवी भाई बहुत पसंद आए और श्रीशांत। अच्छा। देखो, शीशा दोनों ने ऑफर किया इस कारण से क्या? नहीं नहीं नहीं, ऑफर ऑफर दोनों ने ऑफर नहीं 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 ऑफर ऑफर तो ये दीपिका जी, उनके हस्बैंड की तरफ से भी आया है कि हम लोग साथ में एल्बम वेल्बम करेंगे जिसमें हम, तुम गाना गाओगे और हम और दीपिका दोनों एक्ट करेंगे। तो ऑफर की बात नहीं है, वो इसलिए कि शीशांत अगर बोलते थे तो सामने में बोलते थे, क्योंकि इतने बड़े क्रिकेटर हैं, इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेयर हैं, स्टार हैं। एक होता है ना आदमी की कुछ चेहरा छिपा के रखता है कि भाई अपना इमेज मेंटेन करके चलो, मार्केट में एक वैल्यू है अपना, वो बना के रखो, क्योंकि बाहर निकलने के बाद पता नहीं लोग कैसे रिएक्ट करेगा। उस चीज़ का उनको नहीं था, वो जेन्यून थे, जो थे अपना दिखाए। एक गुस्सा हुआ तो झगड़ा हुआ, एकदम बोल चाल हुआ, सब कुछ हुआ। केवी भाई का ये था कि बहुत स्वीट पर्सन थे और अपना बॉन्डिंग लास्ट तक बहुत अच्छा था उनसे। तो जेन्युइनली वो बहुत, मतलब बहुत सही इंसान लगे, बिल्कुल महान, एकदम 100% महान। तो वो दोनों बहुत सही लगे। आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, किस तरीके से खेलना है? क्योंकि जैसा लोगों ने कहा कि दीपक फेवरेट था, लेकिन दीपक इधर की बात उधर भी करता था। नहीं, ये पता नहीं किसने बोला इधर, जी सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से दीपक इधर से उधर करके अच्छा खेला। नहीं, उन्होंने एक चीज बोली थी, जिन्होंने भी ये बात बोली, ये इधर की उधर, वो जसलीन जी का काम था, हम उनसे उनका नहीं छीन सकते। वो इधर से उधर करती थी। लोगों का ये था कि जब स्टार्टिंग में हम जोड़ी थे ना, तो उर्वशी का सेलेब से बहुत बनता था और अपना सेलेब से 36 का आंकड़ा होता था, मेरा कॉमनर से बनता था जो थे। तो वो लोग सोचते थे कि यार ये इसके स्ट्रेटजी है कि एक सेलेब है, एक कॉमनर, दोनों अपने किए हुए हैं। और चूंकि 6 हफ्ते तक हम नॉमिनेट नहीं हुए थे, तो इन चीज़ों से हम नॉमिनेट होते भी नहीं थे, अपना टास्क करके बच गए या कैसे, तो वो उन लोगों को गवारा नहीं होता था। तो वो जो उठाने वाले हैं, वो स्ट्रेटजी नहीं थी अपने, अपना ये था कि भाई जैसे हैं देसी हैं, गए हैं जैसे जाएंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, दिखाएंगे, लोगों को पसंद आएगा, खुद वोट करेगा। और पहली बात तो 4 महीने कोई फेक बन के और मतलब ऐसे करके नहीं रह सकता है। तो जो जैसा था वैसा अपना जनता को परोसे उनकी थाली में, और उनको हमारा व्यंजन अच्छा लगा, हमारा व्यक्तित्व अच्छा लगा, हमारा गाना गाने का अंदाज अच्छा लगा, हमारा कंपोजिंग करने का अंदाज अच्छा लगा, टास्क परफॉर्म करने का अंदाज अच्छा लगा, तो जनता ने हमको फिनालिस्ट बनाया। कितना मुश्किल है घर के अंदर रहना, जैसे मोबाइल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं, तो क्या कुछ करके मन लगाते थे और क्या याद आती थी घर की? बिल्कुल, घर की याद आती थी। तो दीवारों पर अपना संदेश लिखते थे मम्मी पापा के नाम से, या कैमरे से बात कर लेते थे कि ये उम्मीद थी कि अब 24 घंटे में कौन फुटेज दिखाया जा रहा है, कौन नहीं दिखाया जा रहा है, ये भी एक ये था।
लेकिन ये उम्मीद करते थे कि कहीं ये दिखाया जाए तो मम्मी देखेगी, तो मम्मी से बात कर लेते थे, या परिवार वालों की याद आती थी तो फोटो था, फोटो देख के थोड़ा सा रो लेते थे कंबल के नीचे। तो ये सारी चीज़ें होती थी। टास्क वास्क में चोट वोट लगता था तो बहुत ये होता था कि मम्मी अभी देखी देखेगी तो बहुत रोएगी, तो ये सारी चीज़ों से थोड़ा सेंटी इमोशनल फील करते थे। लेकिन चूंकि अंदर से एक दिलासा था कि भाई जब आए ही हो शो में तो ये सारी चीज़ें तो होंगी ही, तो वो दिमाग भी फिर उसके बाद उसको मेकअप करना पड़ता था कि भाई ये होगा और इसी में अब ढल जाओ। आपके साथी थी ज्योति, उनसे आखिर उर्वशी मन मुटाव क्यों? देखिए सीधी सी बात कहेंगे कि हम कोई फेक रिश्ता नहीं बनाना चाहते। हमारा एक यही है कि हम जैसे हैं वैसे आप अगर हमको पसंद हो ठीक है, नहीं हो पसंद वो भी ठीक है। हमारे मन में कोई बात आएगी तो हमारी जुबान पे आएगी। उर्वशी की कुछ चीज़ें हमको नहीं सही लगी तो हम उसको बोले, उसको भी हमारी चीज़ें अच्छी सही नहीं लगी वो बोली, तो एटलीस्ट ये क्लियर होना चाहिए। ज़बरदस्ती अंदर रख रख के वो चीज़ नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो हम उनको जो भी बोले उनको ख़राब लगा, वो हमको बोली वो हमको ख़राब लगा। बाद में हम लोग सिंगल हो गए, क्योंकि सारी जोड़ियाँ सिंगल होती थी, सुरभि और रोमिल का भी झगड़ा हुआ, सबा और सोमी का भी झगड़ा होता था, चूँकि वो बहन थी तो इसलिए ज़्यादा। सौरभ शिवाशीष चूँकि एक अपना दिमाग लगाता था और एक अपना वो बॉडी शॉडी करता था, तो हर जोड़ियों के बीच में कन्फ्लिक्ट होता ही था। लेकिन चूँकि हमारी जोड़ी सेलिब्रिटी और फैन की थी अंदर घुसने से पहले ही, तो इसलिए लोगों ने कहा कि ये बहुत मतलब कि ये था, तो बहुत ज़्यादा उसको बवंडर बनाया गया उस चीज़ का। लेकिन नहीं पसंद था जो चीज़ वो बोले उसको। सोमी पसंद नहीं, सोमी अच्छी लड़की है, अच्छी लगती है। अब आपको भी कोई हीरोइन अच्छी नहीं लगी क्या? मतलब आपको जैसे आप कहता है कि ऐश्वर्या राय कितनी सुंदर है, इतनी पसंद आती है जिस तरीके से आप अंदर जी खेल नहीं, जेन्युइनली हमारी एक फीलिंग थी, हमको वो अच्छी लगती थी तो हम उसको बोले वो चीज़, और उसके डिसीजन का हम रेस्पेक्ट करते, क्योंकि हम लोग पहले एक दोस्त ही थे और एज अ फ्रेंड ही हम लोग मतलब हमारी बॉन्डिंग हुई थी, तो अभी भी हमारी वो बहुत अच्छी दोस्त है और आगे भी रहेगी। जो चीज़ अच्छी होती पाने की ख्वाहिश होती है, कुछ ऐसा सोचा है? बिल्कुल अच्छी वो चीज़ नहीं है पहली बात, जो अच्छी चीज़ देख मैं आपने बताया कि वो अच्छी हैं। हाँ अच्छी और है। अच्छे लोगों को तो सब कोई आप जी, अच्छे, जी, जी बिल्कुल हर कोई चाहता है ना, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप चाह सकते हैं, ठीक है। आपका भी सपना होगा, मैंने लोग जा रहे हैं मंगल ग्रह पे, वाह काश हम भी जाते देखते क्या होता है, लेकिन जा नहीं सकते आप। कोशिश कीजिए। बिल्कुल कोशिश, देखिए दोस्त हमारी जो दोस्ती है ना, वो हमने उसके डिसीजन का रेस्पेक्ट किया है और हम उस चीज को रेस्पेक्ट करते हैं, और हम दोस्त थे, दोस्त हैं, दोस्त रहेंगे। घर से बाहर आ गए, काफी फिल्मों का भी ऑफर मिला गाना गाने का, कौन कौन सा है अभी? जी पहले तो 40 से 42 शोज हमारे लाइनअप्स हैं अलग अलग इंडिया में, बहुत सारे शोज अभी होने वाले हैं। फिर हमारा एल्बम का है, हमारा एल्बम आएगा, फिल्म 28 फरवरी को रिलीज हो रही है, हमें तुमसे प्यार कितना, उसमें मेरा गाना होगा, सुशांत भाई के ऊपर बनाया हुआ गाना वो भी रिकॉर्ड करना है। हमें तुमसे प्यार कितना इसके चार लाइन गुनगुना रहे जी, दो लाइन ऐसे हैं जो किसके लिए भी ये भी बता जी, ये किसी के लिए डेडिकेटेड नहीं, नहीं ये डेडिकेटेड नहीं है, ये जेन्युइनली हम शो में जाने से पहले ही ये बनाए थे, लेकिन केवी भाई को पसंद आ गया ये गाना तो बोले कि अपने फिल्म में हम डालना चाहते हैं इसको, ऐसे कर गया हो रे पिया रे पिया मैं बैरागी रे मेरी जिंदड़ी इश्क लगन में लागी रे ओ रे पिया रे ओ रे पिया रे ओ रे पिया रे मोरे प्यारे हो रे प्यारे पिया मैं बैरागी रे मेरी जिंदड़ी इश्क लगन में लागी रे। ये है और एक मूरा सॉन्ग आपका काफी फेमस हुआ था, कुछ याद हो तो जी। वो बहुत पुराना गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट टू का गाना था वो, जी पार्ट टू का गाना था वो। नर्वस होता है अगर कोई बंदा, अगर फ्रस्ट्रेट है तो उसको वो मोटिवेशनल सॉन्ग है कि वो उसके अंदर बारूद फूंकता है कि नहीं बेटे लग जाओ काम पे, फ्रस्ट्रेट आने से कुछ नहीं होगा, नर्वस आने से कुछ नहीं होगा, जो भी रॉन्ग है उसको राइट करो, सब कुछ को सेट करो, तो ऐसे गाना है। फ्रस्ट ही आओ नहीं मोरा नर्वस आओ नहीं मोरा एनी टाइम मुड़ावा को एनी टाइम मुड़ावा को अब से टाओ नहीं मोरा। सुशांत भक्त के लिए भी आप एक गाना पूरे गांव में गा रहे थे जी, वो कौन सा गाना है?
शशांक के ऊपर गाना था, उनकी जीवनी पे हम बनाए थे, दो लाइन सुनाना सुना देते हैं उसका। आओ यारों, आओ यारों, तुम्हें सुनाऊं अपनी कहानी, अपनी कहानी। जिसने ना जाना ना पहचाना, उसे है सुनानी अपनी कहानी। चैनल के लिए एक मैसेज कि आप वीडियो को देखें या फिर कुछ इस तरीके का। जी ये वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भगवान करे आपके ज़िंदगी में भी एक मृणाल आए जो आपको लेके पहुंचा दे वहाँ से वहाँ। और सब्सक्राइब मारिए, और खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और देखा आपने, काफ़ी बेबाकी से दीपक ठाकुर ने अपने पूरे सफ़र को बताया कि किस तरीके से वो बिग बॉस के घर में पहुँचे, और पहले की क्या ज़िंदगी थी, और आगे वाली क्या प्लानिंग है आगे की ज़िंदगी की। बेबाक तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा। आप देखते रहिए हेडलाइंस इंडिया। कैमरा पर्सन राज तिलक के साथ मैं तनवीर आलम।